हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बजट में की गई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे इनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इस बजट से संबंधित कोई भी कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि ये बजट से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि नहीं एग्जाम में, कि नए बजट का हम इंतजार करें। देखिए, आपका ये बजट पेश हुआ था 10 फरवरी 2018 को, अगला बजट पेश होगा सेम डेट को 2019 को। तो 10 फरवरी 2019 को जब बजट पेश होगा और आपका एग्जाम है 17 फरवरी को, तो इतने कम समय में कोई भी आंकड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाते। तो यदि आपका केंद्रीय बजट से प्रश्न पूछा जाना हुआ एग्जाम में, तो आपको इसी बजट से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो बजट है आपका 2018-19, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये कमेंट करके मत पूछेगा कि इससे प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम बजट के कुछ बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। ये ऐसे प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे आपके सीजीपीएससी के साथ साथ सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी, ये सारे एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बजट का इतिहास देख लीजिए। भारत में जो बजटीय पद्धति, यानी सबसे पहली बार भारत में जो बजट पेश किया गया था, वो अंग्रेजों के समय में वायसराय कैनिन के समय पेश किया गया था। भारत में बजटीय प्रणाली कब प्रारंभ की गई पूछा जाए, तो याद रखिएगा वायसराय कैनिन के समय किसने पेश किया था, जेम्स विलियम ने 18 फरवरी 1860 को भारत में बजट पेश किया था। अंग्रेजों के समय वायसराय कैनिंग के समय जेम्स विलियम ने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया था। देखिए, ये जो वायसराय कैनिंग है, वायसराय कैनिंग के कार्यकारी सदस्य में आपके ये थे जेम्स विलियम जो कि उस समय भारत के वित्त सचिव थे। तो इन्होंने भारत में पहला बजट पेश किया था 18 फरवरी 1860। डेट और माह याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस ईयर को याद रखिएगा 1860। जेम्स विलियम ने भारत में पहली बार बजट पेश किया था वर्ष 1860 में, किस वायसराय के समय, वायसराय कैनिंग के समय। ठीक, नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के पश्चात 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। याद रखिएगा, ये एसएससी और रेलवे में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, आर के षणमुखम शेट्टी, कब पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 को। ठीक, नेक्स्ट, गणतंत्र भारत का पहला बजट, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 को, तो जब हमारा संविधान बन गया और हमने बजट को एक संवैधानिक प्रावधान के तौर पर उसे लागू कर दिया था। देखिए, जो आपका संवैधानिक प्रावधान है बजट को, अनुच्छेद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इस बजट को रखा गया है। यदि आप कोई भी बुक प्रीफर कर रहे हैं तो आपको, यदि आप अनुच्छेद 112 देखेंगे तो अनुच्छेद 112 आपको ये लिखा मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। आपको कहीं पर भी बजट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। ठीक, तो संवैधानिक प्रावधान, यानी हमने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को रखा है, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को जब संपूर्ण भारत में हमारा संविधान लागू हो गया, उसके पश्चात गणतंत्र भारत का संविधान लागू होने के पश्चात, यानी बजट को एक संवैधानिक प्रावधान दिए जाने के पश्चात, जो जॉन मथाई के द्वारा वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक, ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। अनुच्छेद 112 जिसमें बजटीय प्रणाली या वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अब थोड़ा रेल बजट पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2017 से जो आम बजट है, आम बजट और रेल बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी दोनों को विलय कर दिया गया। देखिए, जो जैसे पिछले साल की ही बात है, पिछले साल वर्ष 2017 में आपका रेल बजट और आम बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया, तो ये रेल बजट का थोड़ा इतिहास समझ लीजिए। वर्ष 1924 में, देखिए,
भारत में बजट कब से पेश किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा? 1860 में। भारत आजाद कब हुआ? 1947 को। तो 1860 से लेकर के 1947 तक केवल अंग्रेजों के द्वारा बजट पेश किया जा रहा था। तो देखिए 1860 और ये है 1924। 1924 के आते तक जो केंद्रीय बजट और आपका जो आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किए जाते थे, लेकिन वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश की कि रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया जाए। अंग्रेजों के ही शासनकाल में एकवर्थ समिति ने यह सिफारिश की थी कि रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया जाए, और इसके सिफारिश के आधार पर ही वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया। रेल बजट को आम बजट से पृथक करने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि जैसे आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजों के समय जो परिवहन है, परिवहन का सबसे मुख्य साधन था आपका रेलवे। परिवहन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, वाणिज्यिक, व्यापार सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स था आपका रेलवे। अंग्रेजों को अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए साथ साथ जो कच्चे माल है, कच्चे माल को बंदरगाह तक ले जा करके उन्हें ब्रिटेन तक पहुंचाने तक सारे के सारे चीज़ें डिपेंडेंट थी आपके रेलवे के ऊपर। 1924 की स्थिति में रेलवे आम बजट में लगभग 70% भागीदारी रखता था, यानी कुल आम बजट का लगभग 70% भाग आपका रेल बजट के रूप में पेश होता था। इसलिए 1924 में एकवर्थ समिति ने सिफारिश करी कि रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया जाए, और वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक कर दिया गया। 1924 से लेकर के 2017 तक रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन वर्ष 2017 में स्थिति बदल चुकी है। अब ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे साधन आ चुके हैं, आपका सड़क मार्ग है, वायु मार्ग है, बहुत सारे संसाधन आ चुके हैं, तो आपका जो रेलवे की हिस्सेदारी है वो काफ़ी कम हो गई है। इसीलिए देवरॉय समिति जिसमें शामिल कौन कौन थे? विवेक देवरॉय और किशोर देसाई। देवरॉय समिति ने यह सिफारिश करी कि रेल बजट में अब आम बजट को विलय कर दिया जाए। रेल बजट में आम बजट का विलय कर दिया जाए किसने सिफारिश करी? देवरॉय समिति ने। कब? 2017 में। और वर्ष 2017 में पहली बार रेल बजट को आम बजट में विलय करके एक केंद्रीय बजट के रूप में पेश किया गया। ठीक है, तो ये दोनों समितियों का नाम याद रखिएगा। एकवर्थ समिति जिसने सिफारिश कब की थी? 1924 में रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया था एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर। वर्ष 2017 जिसमें देवरॉय समिति की सिफारिश के आधार पर रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। देवरॉय समिति में कौन कौन थे? विवेक देवरॉय और किशोर देसाई। ठीक, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों डेट याद रखिएगा और दोनों समितियों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, बजट 2018-19 अभी वर्तमान यानी केंद्रीय बजट 2018-19 का आकार कितना है? 24.42 लाख करोड़ रुपए, 24.42 लाख करोड़, 24.42 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय बजट या आम बजट 2018-19 का आकार है, जो कि आपका वर्ष 2017-18 यानी पिछले वर्ष के बजट से लगभग 13.7% अधिक है। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में यह 13.7% अधिक है। बजट का आकार कितना है? 24.42 लाख करोड़ रुपए। ठीक, देखिए इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। इसमें हायरार्की फॉर्म में आपका कर राजस्व, गैर कर राजस्व, राजस्व प्राप्ति, ये बहुत सारे आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लेकिन मैं सारी चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। जो एग्जाम में पूछे गए केवल वही आंकड़ों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। एग्जाम का टाइम है, काफ़ी इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर किसी को कन्फ्यूजन रहता है, तो एग्जाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उससे संबंधित तथ्यों पर ही हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए इसके साथ साथ अभी हम आगे जैसे देखेंगे, ये जो आपके बजटीय घाटा है, राजस्व घाटा है, राजकोषीय घाटा है, तो देखिए इसे समझने से पहले यदि आपने जो हमारा पुराना वीडियो है जिसमें हमने अध्याय 5 लोकवित्त, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये सारे के सारे बेसिक टर्मोलॉजी को समझा रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस वीडियो को देखिए, बेसिक टर्म्स को एटलीस्ट उस वीडियो से समझ लीजिए, तभी आगे आपको ये जो बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, ये सारे के सारे चीज़ें समझ में आएगी। मैं इसे यहाँ पर डिटेल में नहीं समझाने वाला, आप पहले जाकर के उससे बेसिक चीजें उससे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब जाकर के आप इस वीडियो को आगे देखिए, तब जाकर के आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, तब जाकर के ये सारे चीजों को पढ़िएगा। देखिए बजट का आकार हो गया। इसके बाद
भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। जब आपका बजट पेश किया गया था 10 फरवरी 2018 को, तब भारत विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही आपके अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास का यह करंट अफेयर है कि विश्व बैंक ने वर्ष 2017 तक के आंकड़े जारी किए। वर्ष 2017 तक की स्थिति में भारत विश्व की सातवीं से छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी वर्तमान में भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। भारत जीडीपी के आधार पर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान, चौथे नंबर पर है जर्मनी, पांचवें नंबर पर है ब्रिटेन, छठवें नंबर पर है हमारा भारत और सातवें नंबर पर है फ्रांस। यानी भारत ने फ्रांस को ओवरटेक किया है, फ्रांस का स्थान ले लिया है भारत ने। तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के आधार पर। देखिए, भारत का जो जीडीपी है 2.597 ट्रिलियन डॉलर, 2.597 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत विश्व की जीडीपी के आधार पर छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि फ्रांस सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत का जीडीपी का आकार कितना है? 2.597 ट्रिलियन डॉलर। फ्रांस का जीडीपी का आकार है आपका 2.582 ट्रिलियन डॉलर। इसके साथ सातवें पोजीशन पर है ब्रिटेन, 2.622 ट्रिलियन डॉलर के साथ पांचवें पोजीशन पे है। तो पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें में ब्रिटेन, छठवें में हमारा भारत और सातवें में जापान। ठीक, इसे याद रखिएगा। ट्रिपल पी के आधार पर, ट्रिपल पी मतलब क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसके आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ है। जीडीपी के आधार पर वर्तमान में विश्व बैंक के अनुसार, यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ट्रिपल पी यानी क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों अलग अलग है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जीडीपी के आधार पर छठवीं बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी यानी ट्रिपल पी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक, देखिए नेक्स्ट, वित्तीय घाटे। वित्तीय घाटे जिससे अक्सर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे देखिए, जो चीज़ें मैंने रेड कलर से लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, उससे ही अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इससे कभी कभी क्या होता है कि आपसे बेसिक ये जो इसके फॉर्मूला है, इससे भी प्रश्न एग्जाम में उठा सकता है। देखिए, बजटीय घाटा, बजटीय घाटा जिसमें कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को माइनस करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अध्याय 5 लोक वित्त वाले चैप्टर को एक बार जाकर के देख लीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। एक बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। तो सरकार को जितनी आय होती है उतनी ही व्यय, यानी सरकार का आय और व्यय बराबर है। सरकार को जितनी इनकम हुई उतना ही सरकार खर्च कर रही है, तो उसे कहा जाता है संतुलित बजट। संतुलित बजट की स्थिति में आपका जितना सरकार को इनकम हुआ, सरकार को जितना इनकम हुआ उतनी ही सरकार खर्च कर रही है, यानी कितना होगा? जीरो। सरकार का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लग रहा है। तो जो आपका ये बजटीय घाटा है, बजटीय घाटा हमेशा जीरो होता है, इसे याद रखिएगा। संतुलित बजट की स्थिति में बजटीय घाटा हमेशा जीरो होता है, और वर्तमान में भी भारत का जो बजटीय घाटा है ये जीरो है। तो याद रखिएगा, यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत का बजटीय घाटा कितना है, तो 0% है। ठीक, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा, यदि देखिए, राजस्व घाटा इसका फॉर्मूला क्या है? कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियां, मैंने आपको बताया है लोकवित्त वाले चैप्टर में। तो आप इसमें केवल बेसिक फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाएंगे तो आपका प्राप्त होता है राजस्व घाटा। वर्तमान में जो आपका बजट 2018-19 में भारत का जो राजस्व घाटा है वो है आपका 4.16 लाख करोड़ रुपये। 4.16 लाख करोड़ रुपये भारत का राजस्व घाटा है, जो कि कुल जीडीपी का 2.2% है, इसे याद रखिएगा। जो राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा कुल जीडीपी का 2.2% है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये परसेंटेज है। आप इस आंकड़े को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसे याद रखिएगा। ये इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका राजस्व घाटा है वो जीडीपी का कितना परसेंट है? 2.2% है। ठीक,
राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, देखिए ये जो राजस्व घाटा है, इस राजस्व घाटा में यदि हम पूंजीगत व्यय को जोड़ देंगे तो राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय आपका राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। ठीक, तो वर्तमान में आपका जो बजट 2018-19 में आपका जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है आपका 6.24 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा है आपका 6.24 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का, जीडीपी का आपका 3.3% है। इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता ही है, जो आपका राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा आपका जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3% है। ठीक, प्राथमिक घाटा, इसका बस ये याद रखिए कि प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.4% है। ठीक, तो इसमें स्पेशली आपको क्या याद रखना है, परसेंटेज। ठीक, राजस्व घाटा जीडीपी का 2.2%, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3%, प्राथमिक घाटा 0.4%। ठीक, देखिए बजट 2018-19 में शीर्ष आवंटित वाली मदे, बजट 2018-19 में शीर्ष आवंटित वाली मदे, यानी सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती है या सरकार को जो भी राजस्व आय होती है, तो उसका कितना बड़ा हिस्सा सरकार किन मदों में व्यय करती है या किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है। सरकार को तो जो इनकम होना था हो गया, उस इनकम के पश्चात अपनी आय का कितना बड़ा हिस्सा किन किन क्षेत्रों में सरकार व्यय करती है, वो है ये। तो देखिए, सरकार को जो राजस्व प्राप्तियां होती है, उस राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा आपका ब्याज भुगतान में व्यय होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2015-16 के पीएससी में सेम क्वेश्चन उठाया गया था कि जैसे आपका उस समय के में एग्जाम में पूछा गया था कि बजट 2014-15 की स्थिति में किस मद में सर्वाधिक राशि व्यय हुई या सर्वाधिक राशि आवंटित की गई, तो ब्याज भुगतान, हमेशा ब्याज भुगतान ही सर्वाधिक होता है। ब्याज भुगतान क्या होता है, ब्याज भुगतान यानी सरकार जो आपके विश्व बैंक से, IMF से जो लोन लेती है, तो उस लोन के एवज में जो वो आपका ऋण अदा करती है या ब्याज का भुगतान करती है, वो आपका काउंट होता है इस ब्याज भुगतान में। तो याद रखिएगा, सरकार को जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में सरकार आवंटित करती है या ब्याज भुगतान के रूप में अदा करती है। तो ब्याज भुगतान कितना है, 57,5795 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान है, जो कि जीडीपी का 3% है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये सीक्वेंस याद रखिए, ब्याज भुगतान, उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद रक्षा, उसके बाद पेंशन, यानी सर्वाधिक सरकार का व्यय किस क्षेत्र में होता है, तो ब्याज भुगतान में। इसे याद रखिएगा, ये सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक व्यय होता है ब्याज भुगतान में, उसके बाद होता है सब्सिडी में, उसके बाद रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद पेंशन में सरकार का सर्वाधिक राशि व्यय होता है। तो सरकार को जितनी भी राजस्व प्राप्तियां होती है, सरकार को जो भी राजस्व आय होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा किस में जाता है, तो ब्याज भुगतान में जाता है। ब्याज भुगतान कितना है, 57,5795 करोड़ रुपए। ठीक, इसे याद रखिएगा, जो कि जीडीपी का कितना है, 3% है। ब्याज भुगतान के बाद अगला सबसे ज़्यादा राशि आवंटित या सबसे ज़्यादा राशि किस मद पर व्यय होती है, तो वो है आपका सब्सिडी। सब्सिडी में कितना व्यय होता है, 29,28,25 करोड़ रुपए। 29,28,25 करोड़ रुपए आपका सब्सिडी। सब्सिडी यानी जैसे सरकार जो आपको गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है, किसानों को उर्वरक खरीदने के लिए सब्सिडी देती है, या आपका सौर पैनल जो लगा रहे हैं, सौर ऊर्जा के लिए जो सौर पैनल लगाए जाते हैं, उसमें जो सरकार सब्सिडी देती है, यानी कुछ ना कुछ राशि उसमें डिस्काउंट देती है, वो काउंट होते हैं आपके सब्सिडी के अंतर्गत। तो देखिए सब्सिडी, तो सर्वाधिक सब्सिडी, देखिए जो जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बजट में प्रश्न जो पूछा जाता है इस सेक्टर से, अक्सर इसी से पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो आपका यही है और दूसरा ये प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए सर्वाधिक सब्सिडी, ये जो आपका 29,28,25 करोड़ रुपए तो आपका सब्सिडी है, लेकिन इस सब्सिडी का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में सर्वाधिक सब्सिडी दिया जाता है, तो देखिए सरकार के द्वारा सर्वाधिक खाद्य क्षेत्र में सब्सिडी दिया जाता है। सरकार के द्वारा सर्वाधिक खाद्य से क्षेत्र में सब्सिडी दिया जाता है। उसके बाद सरकार के द्वारा सेकेंड नंबर पर है उर्वरक। सरकार के द्वारा खाद्य के बाद उर्वरक में सब्सिडी दी जाती है, और थर्ड नंबर पर है पेट्रोलियम। यानी जो आपका 29,28,25 करोड़ रुपए है, वो सब्सिडी
पर व्यय होता है, सब्सिडी के लिए आवंटित होता है, जिसमें सर्वाधिक जो व्यय है, सर्वाधिक व्यय या सर्वाधिक सब्सिडी, सर्वाधिक सब्सिडी सरकार किस मद पर देती है, तो याद रखिएगा खाद्य पर सर्वाधिक सब्सिडी देती है लगभग 57%। उसके बाद उर्वरक में किसानों को जो उर्वरक खरीदते हैं उस उर्वरक की खरीदी के लिए लगभग 24% जो हिस्सा है इस सब्सिडी में जाता है। और तीसरे नंबर पर है पेट्रोलियम लगभग 8%। तो याद रखिएगा सब्सिडी, सरकार सर्वाधिक सब्सिडी खाद्य क्षेत्र में देती है। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। बजट 2018-19 में शीर्ष आवंटित वाली मदों में यानी सरकार का सर्वाधिक जो व्यय होता है वो ब्याज भुगतान में होता है। सब्सिडी, सर्वाधिक सब्सिडी किस क्षेत्र में दी जाती है, तो खाद्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा सर्वाधिक सब्सिडी दी जाती है। ठीक, या तो जो ये जो सब्सिडी की जो राशि है वो सर्वाधिक आपके खाद्य क्षेत्र में जाती है, इसे याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद बजट 2018-19, बजट 2018-19 में जीएसटी जो कि आपका लागू हुआ था 2017 में, तो वर्ष 2018 में आपका जीएसटी से जो राजस्व प्राप्ति अनुमान है वो है आपका 7.44 लाख करोड़ रुपए। बजट 2018-19 में जीएसटी से जो आपका राजस्व प्राप्ति है वो अनुमानित है 7.44 करोड़ रुपए, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मनरेगा वाला, मनरेगा के लिए आवंटित राशि है आपका 55,000 करोड़ रुपए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। तो मनरेगा के लिए बजट 2018-19 में कितनी राशि आवंटित की गई पूछा जाए, तो याद रखिएगा 55,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। नेक्स्ट देखिए, वेतन वृद्धि, इस बार के बजट में यह प्रस्ताव रखा गया था कि जो आपके राष्ट्र के जो प्रमुख है और जो राज्य के प्रमुख है उनके वेतन में वृद्धि की जाए। और देखिए, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के वेतन में 5 लाख रुपए प्रति माह किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह किए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रति माह रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था। वर्तमान में यह लागू हो चुका है, ये बजट के समय का है। बजट के समय यह प्रस्ताव रखा गया था कि राष्ट्रपति का जो इनकम है वो रखा जाए आपका 5 लाख रुपए प्रति माह, उपराष्ट्रपति का इनकम 4 लाख रुपए प्रति माह, जबकि राज्यपाल का इनकम 3.5 लाख रुपए प्रति माह रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया था। वर्तमान में यह लागू हो चुका है। नेक्स्ट, ऑपरेशन ग्रीन, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके बजट में जो घोषणा की गई थी ये सारे आंकड़े हैं, इसे याद रखिएगा। ऑपरेशन ग्रीन किस चीज से संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन आपके कृषि उपज के पैदावार में बढ़ोतरी तथा उसके सही मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से इस बार के बजट में ऑपरेशन ग्रीन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस ऑपरेशन ग्रीन में देखिए, जैसे क्या है, कुछ कृषि उपज के लिए जो सरकार है वो MSP मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, खरीफ फसलों के लिए करती है, रबी फसलों के लिए करती है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे फसल है जिनकी पैदावार कभी भी अचानक से बढ़ जाती है, कभी भी अचानक से घट जाती है, या वो जो कृषि उपज है अचानक से खराब होने लगता है, जैसे टमाटर, प्याज का रेट कभी भी अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से कम हो जाता है। टमाटर आप सुनते ही होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का ही सबसे बड़ा समस्या है, टमाटर का पैदावार इतना हो जाता है कि 2 रुपए किलो टमाटर आपके मार्केट में मिलता है, उस कंडीशन में किसान पूरा का पूरा टमाटर आपके सड़कों पर फेंक करके उस पर ट्रैक्टर चला देता है। तो ऐसे कुछ कृषि उपज है, उन कृषि उपजों के लिए इस बार के बजट में आपका ऑपरेशन ग्रीन के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। स्पेशली इस ऑपरेशन ग्रीन में टमाटर आलू और प्याज इन तीन कृषि उपज को इस ऑपरेशन ग्रीन के अंतर्गत शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ऑपरेशन ग्रीन कृषि उपज जो है टमाटर आलू और प्याज इन तीन कृषि उपजों के लिए आपका ये ऑपरेशन ग्रीन लाया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि कृषि उपज का सही मूल्य दिलाए जाने के उद्देश्य से यह ऑपरेशन ग्रीन लाया गया है। नेक्स्ट, किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले ला दिया गया था, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसकी सहायता से वो उर्वरक खरीदी के लिए या कृषि उपकरण खरीदी के लिए सरकार से एक मिनिमम ब्याज पर ऋण उठा सकते हैं। लेकिन इस बार के बजट में ये किसान क्रेडिट कार्ड किन के लिए था? किसानों के लिए। लेकिन इस बार के बजट में यह घोषणा की गई कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये मत्स्य पालकों यानी मछली पालकों और पशु
पालकों को भी दिया जाएगा। यानी किसान क्रेडिट कार्ड में अब मत्स्य पालक और कृषि और पशुपालक दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक, किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें मछली पालकों और पशुपालकों दोनों को शामिल किया गया है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब मछली पालक और पशुपालक भी ऋण ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उज्ज्वला योजना का लक्ष्य। देखिए, उज्ज्वला योजना जो कि प्रारंभ हुआ था आपका 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, जब यह योजना लाया गया तब इसमें लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 5 करोड़ परिवारों को मुफ्त आपका रसोई गैस उपलब्ध कराया जाएगा, यानी रसोई गैस कनेक्शन दिया जाएगा। कितना लक्ष्य रखा गया था? 5 करोड़। लेकिन इस बार का जो बजट है, इस बार के बजट में आपका जो उज्ज्वला योजना का जो लक्ष्य है उसको 5 करोड़ से बढ़ा करके 8 करोड़ कर दिया गया है। ये लक्ष्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बजट 2018-19 में आपका उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है या कितने परिवारों को इसके दायरे में लाया गया है, तो याद रखिएगा इसका नया लक्ष्य है 8 करोड़, यानी 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा इस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, शौचालयों का निर्माण। आप सभी को मालूम है कि भारत में भी स्वच्छ भारत अभियान काफी जोरों शोरों से चल रहा है, तो इस बजट 2018-19 में यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक सरकार ने लगभग 8 करोड़ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 8 करोड़ शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा है बजट 2018-19 के अंत तक। ठीक, उज्ज्वला योजना का लक्ष्य कितना है? 8 करोड़। शौचालय निर्माण का लक्ष्य कितना है? 8 करोड़। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन। पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन जिसके लिए सरकार ने 1290 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी है। बांस, देखिए अभी कुछ समय पहले क्या है, ये आपका करंट अफेयर था जिसमें बांस को भी वनोपज की श्रेणी में ला दिया गया। यानी इसके लिए भी यदि इसके वाणिज्यिक स्तर पर आप इसका फसल उगा रहे हैं तथा वाणिज्यिक स्तर पर इसे बेच रहे हैं, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले क्या था, बांस का फसल कोई भी उगा सकता था, लेकिन वर्तमान में ये हो गया है कि जैसे साल, सागौन, साजा, बीजा जो इमारती है, इसके वाणिज्यिक स्तर पर इसके उत्पादन या इसके उपज के लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। उसी तरीके से बांस को भी आपका इस वनोपज यानी जो साल, सागौन, साजा, बीजा वाले हैं, ऐसे टाइप के वनोपज की श्रेणी में इन्हें रख दिया गया है। तो इस साल के बजट में सरकार ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन यानी राष्ट्रीय बांस मिशन जो काफी पहले से चल रहा था उसे पुनर्गठित किया तथा इसके लिए 1290 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी तथा इस आपके बजट 2018-19 में बांस को हरित सोना की संज्ञा दी गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हरित सोना। इस बजट 2018-19 में बांस को हरित सोना की संज्ञा दी गई है। देखिए, हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए, बजट 2018-19 में बांस को हरित सोना की संज्ञा दी गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में हरित सोना कहा जाता है तेंदुपत्ते को, लेकिन केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर बांस के उपज को यानी बांस को हरित सोना की संज्ञा दी है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इस बार के बजट में आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत आपके आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी, जो कि आपका ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है। तो इसके लिए जो राशि आवंटित की गई थी ये था आपका 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य संरक्षण या इलाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए प्रति व्यक्ति नहीं है, क्या है? प्रत्येक परिवार। ऑप्शन में क्या देगा थोड़ा देख के लगाइएगा, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का संरक्षण नहीं है, प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य संरक्षण मुहैया कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना को बजट 2018-19 में 2000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय। भारत का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर। स्थिर कीमतों के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति आय है 8668, इसे ऐसे याद रखिएगा 8668। प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर भारत का प्रति व्यक्ति आय है 1,12,835, 1,12,835, 1,12,835। ठीक, इसे ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीडीपी। देखिए, हमारे भारत में जीडीपी अभी वर्तमान में तिमाही आधार पर निकाली जाती है। जीडीपी हर तिमाही आधार पर भारत का जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन देखिए, ये जो आपका ओवरऑल जीडीपी था वर्ष 2017-18 का, वर्ष 2017-18 की स्थिति में भारत का जीडीपी स्थिर कीमतों के आधार पर था 6.7%, इसे थोड़ा याद रखिएगा। स्थिर कीमतों के आधार पर भारत का जीडीपी था 6.7%, प्रचलित कीमतों के आधार पर था 10%। आप ये 6.7% वाले को थोड़ा स्पेशली याद रखिएगा। इसके बाद बजट 2018-19 पेश किया गया, जिसके बाद पहली तिमाही जीडीपी
अप्रैल से लेकर के जून 2018 तक की स्थिति में भारत की पहली तिमाही जीडीपी थी स्थिर कीमतों के आधार पर 8.2%, प्रचलित कीमतों के आधार पर 13.8%। स्थिर कीमतों के आधार पर 8.2%, प्रचलित कीमतों के आधार पर 13.8% भारत की पहली तिमाही जीडीपी थी। अभी और भी आएंगे जीडीपी के आंकड़े, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा स्पेशली स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2017-18 की स्थिति में भारत की जीडीपी 6.7% थी, इसे याद रखिएगा। ठीक, जितने भी चीज़ें बताए सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ें एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जो महत्वपूर्ण घोषणा है उस पर थोड़ा एक बार नज़र डाल लीजिएगा। ऑपरेशन ग्रीन क्या है, आपका उज्ज्वला योजना का वर्तमान लक्ष्य कितना है, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे आंकड़े अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, सारे चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम छत्तीसगढ़ बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।